हेलो फ्रेंड, आपका न्यू वर्क सिलाई बुनाई में स्वागत है। फ्रेंड, हम इस वीडियो में बताएंगे कि तेज सिलाई करने पर धागा टूट जाती है तो उसको कैसे सही करें। तो देखिए, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम तेज सिलाई करें तो ये जो टेंसिल है इसको थोड़ा सा लूज रखना है, ज़्यादा लूज नहीं रखना है, नहीं तो धागा खराब आएगा। ज़्यादा टाइट रहेगा तो भी यहाँ से जो धागा निकलता है वो क्या होता है कि टूट जाएगा, तो इसको नॉर्मल ही रखना है। और उसके बाद अपने सुई को भी चेक कर लेना है कि सुई सही तरीके से लगा है कि नहीं। सुई थोड़ा सा भी इधर उधर लगा होगा तीछा तो क्या होगा कि धागा टूट जाएगा। तो देखिए, हम ये सिलाई करके देख रहे हैं कि कैसा सिलाई हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा तेज़ सिलाई किए तो क्या हुआ कि धागा टूट गया। तो आपको क्या करना है कि ये टेंसिल है इसको लूज रखना है और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा तेल डालना है, जैसे कि देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर तेल डाल लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा तेल डाल लेना है। अब मशीन भी थोड़ा आवाज़ कर रही है तो मशीन में भी थोड़ा सा तेल डाल लेंगे और उसके बाद सिलाई करेंगे और देखेंगे कैसा सिलाई हो रहा है। तो देखिए, थोड़ा सा मशीन में भी तेल डाल लिए हैं हम। अब उसके बाद फिर सिलाई करेंगे। थोड़ा सा इसको हल्का सा लूज कर लिए हैं, यहाँ से बहुत टाइट निकल रहा है धागा। तो चलिए, हम सिलाई शुरू कर रहे हैं और देख रहे हैं कि धागा टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। तो देखिए फ्रेंड, अच्छा से सिलाई हो गया है और धागा भी नहीं टूटा। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।